अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट। गंगानगर थाने के दरोगा दिनेश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार मुकदमा दर्ज होने के बाद मलाईदार समझे जाने वाले मेरठ के सदर थाने के इंस्पेक्टर विजेंद्र पाल राणा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया। इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा उस हेड कांस्टेबल मनमोहन की गिरफ्तारी के बाद दर्ज हुआ, जिसे 30,000 रुपए की रिश्वत समेत पकड़ा गया था। नए पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी के अभी बेहद अल्प कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर यह दूसरा मुकदमा है। गिरफ्तारी विधि कार्रवाई से बचने के लिए इंस्पेक्टर विजेंद्र पाल राणा ऑफिशियल प्रयागराज जाने की बात कहकर भूमिगत हो गए। किसी मामले में पहले पकड़ना और फिर छोड़ने की एवज में लाखों में वसूली करना पुलिस की कार्यप्रणाली में शुमार हो चुका है। उदाहरण के रूप में सामने आए इन दोनों ही मामलों में लाखों रुपए वसूले गए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का 100% पालन करने की कोशिश में भले ही नए पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी लगे हुए हैं, लेकिन निश्चित रूप से भ्रष्ट सिस्टम के लिए है वह एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। मेरठ जिले में हाफ चिकन प्लेट और फुल चिकन प्लेट कोड वर्ड गुजरे जमाने की बात हो गए हैं। हाफ चिकन प्लेट यानी पैर में गोली और फुल चिकन प्लेट पुलिस कप्तान का साफ निर्देश है कि जो बदमाश जैसा पकड़ा जाए वैसा ही उसी आरोप में जेल भेजा जाए, मन माफिक धारा न लगाई जाए। वाहनों के अवैध कटान के स्लॉटर हाउस पर कसा गया शिकंजा उन लोगों को रास नहीं आ रहा है जिनकी जेब हर माह या हर वाहन पर चुपचाप भर जाती रही है। धार्मिक मौकों पर सदर थाना पुलिस द्वारा लंबे समय तक चलने वाले विशाल भंडारे भी बंद हो गए। कहा जा सकता है कि पुलिस संरक्षण में चलने वाले सट्टे पर भी काफी अंकुश लग चुका है। भ्रष्ट पुलिस थानेदारों की काली कमाई पर लगे इस अंकुश व हाफ चिकन प्लेट और फुल चिकन प्लेट जैसे सख्त कदम बंद होने का ही असर है कि मेरठ जिले में क्राइम रेट भी एकाएक बढ़ गया है। 6 दिन में 6 लोगों की हत्या इसकी बांधी भर है। सिस्टम का एक भ्रष्ट हिस्सा एक तरफ है, नए पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी एक तरफ, तबादला लॉबी भी अपने काम पर लग चुकी है। मेरठ जिले के नए पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी ने आते ही एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। यह नंबर ही तमाम पुलिस कर्मचारियों की परेशानी का सबब बन गया। इस पर की गई शिकायत की गोपनीय जांच होती है, फिर कार्रवाई। गंगानगर थाने के दरोगा दिनेश कुमार भी इसी पर की गई शिकायत का शिकार बने। एक युवती से जुड़े मामले में पकड़े गए आरिफ को छोड़ने की एवज में 1,20,000 रुपए लिए गए। पुष्टि होने पर पुलिस कप्तान ने दिनेश कुमार के खिलाफ वसूली व भ्रष्टाचार की धारा में मुकदमा दर्ज करा दिया। अब ताजा मामला सदर थाने का है। गिरफ्तार हेड कांस्टेबल मनमोहन ने पुलिस अफसरों को बताया कि ट्रक से जुड़े एक मामले में उठाकर लाए गए खतौली के वकार को छोड़ने की एवज में 1,00,000 रुपए मांगे गए थे। 50,000 रुपए वह दे चुका था, बाकी रकम मंगलवार को दी जानी थी। वकार ने शाम 4 बजे थाने के बाहर हेड कांस्टेबल मनमोहन सिंह को जैसे ही 30,000 रुपए दिए, पहले से वहां तैनात एसपी सिटी की टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। उसने रिकॉर्ड बयान में बताया कि यह रकम वह इंस्पेक्टर बिजेंद्र पाल राणा के कहने पर लेने आया था। इंस्पेक्टर इससे पहले भी ट्रक स्वामी और चालक को छोड़ने के एवज 3,00,000 रुपए की रकम वसूल चुके हैं। इंस्पेक्टर को जैसे ही इसकी भनक लगी वह थाने का चार्ज एक एसएसआई को दे यह कहते हुए भूमिगत हो गए कि वह हाईकोर्ट में सीए दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। हेड कांस्टेबल को हवालात में डालने के साथ ही दोनों के खिलाफ उस सदर थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाहर मोटे मोटे अक्षरों में इंस्पेक्टर राणा ने लिखवा रखा है कि यह थाना भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुका है और कोई शिकायत है तो उनसे आकर मिला जाए। ये इंस्पेक्टर राणा वही है जिन्होंने 2,00,000 के इनामी शिव शक्ति नायडू को मुठभेड़ में मार दिया था। राणा को पुलिस पदक देने की घोषणा की गई थी, अब यह वीरता पदक भी वापस हो सकता है। आज दिन भर इस मामले को लेकर पुलिस विभाग में गहना गहमी बनी रही है। भ्रष्ट हिस्से का हिस्सा बन चुके अधीनस्थ आशंकित हैं, इधर उधर ताक रहे हैं। प्रभाकर चौधरी की कार्यप्रणाली ही ऐसी है कि जो थानेदार लंबे समय से मेरठ के मलाईदार समझे जाने वाले थानों में अपनी सल्तनत चला रहे थे, तुरंत ही गैर जिलों के लिए रिलीव हो गए। वे यहां तबादले के बाद भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की इनायत के चलते अपनी जड़ें जमाए हुए थे। विभाग के कई पुलिस क्षेत्राधिकारी भी अकूत संपत्ति कमाने के कारण बदनामी की जांच के दायरे में आ चुके हैं।
आज इस ताजे मामले के बाद विभाग सहमा हुआ है। वहीं इस मामले में आज एसपी सिटी विनीत भटनागर ने मीडिया को इस बारे में यह जानकारी। देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा कल एक तहरीर दी गई, एफिडेविट दिया गया, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए थे थाना सदर बाजार के प्रभारी निरीक्षक के बारे में और एक हेड कांस्टेबल के बारे में कि उन्होंने उनको अवैध रूप से हिरासत में रखा और बिना किसी कारण के उनके साथ मारपीट करके उनसे धनादोहन का प्रयास किया, कुछ धन प्राप्त किया, कुछ धन मांगा जा रहा है। इसकी गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उच्चाधिकारियों के संज्ञान में ये प्रकरण लाया गया था और प्रकरण भ्रष्टाचार से जुड़ा होने के कारण जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए उसमें निष्पक्ष विवेचना के लिए अभियोग पंजीकृत कराया गया। मैंने आपको बताया प्रभारी निरीक्षक और एक हेड कांस्टेबल हैं, इन दोनों के विरुद्ध धारा 323, 504, 342 IPC और 7 तथा 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर मेरठ पुलिस कार्य कर रही है। इस प्रकार के जो भ्रष्ट आचरण है उसके प्रति जो भी वैधानिक कार्रवाई इसमें संभव है वो की जा रही है, उसी के क्रम में ये अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना से सही तथ्यों का उद्घाटन होगा और जो साक्ष्य उजागर होंगे उनके क्रम में वैधानिक कार्रवाई होगी। सरकारी कार्य से वे बाहर गए हुए हैं, फरार शब्द कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है और सम्मान के योग्य कोई कार्य किया जाएगा तो सम्मान होगा और यदि कोई अभियोग पंजीकृत होता है तो उसमें साक्ष्य के अनुसार विवेचना की जाएगी, यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, इसमें एक व्यक्ति की, एक हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी भी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बनी रहेगी हमारी इस घटना का तुम बराबर नजर। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए firstbite.tv और हाँ, अपने इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। नमस्कार।